जो थप्पड़ पड़ा विशाल को वो 100% सही। उसकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं 100% थप्पड़ क्या मैं और भी ज्यादा मारता और भी ज्यादा पीटता। दो दो बीवियों का ये चीज प्रमोट कर रहे हैं, दो बीवियां रखो, एक घर के बाहर बेचारी को स्ट्रगल कर रही है, दूसरी घर के अंदर है। उसका इंटेंशन 100% गलत था। आप जाके वापस उस क्लिप्स को उठा के देखना। तो ढंग का बोलने वाला वो क्या है, किसके मैनेजर को लेके रखे हुए शो के अंदर, मतलब अब मैनेजर्स को भी देखेंगे हम। लव कटारिया एक्चुअली मैं और सोमी बहुत डिफरेंट पेज में है, तो मैं चाहता हूँ जो स्लैप पड़ा है बिग बॉस के घर के अंदर इसके बारे में ये वीडियो बात करना जरूरी था। कि मैं और सोमी आगे मैं कह रहा हूँ हम डिफरेंट पेज में हैं, तो सोमी से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा। हाँ सोमी, आपके हिसाब से क्या जो विशाल को थप्पड़ पड़ा है? जी मुझे तो पहले सच बताऊं बहुत ही ज्यादा वाहियात हरकत ये लगी। थप्पड़ मारना इज नॉट अ राइट डिसीजन कहीं भी। मुझे लग रहा था वो दादागिरी कर रहा है और जबरदस्ती थप्पड़ मारना, जिस तरह से वो बोलते हैं, द वे ही बिहेव्स, मुझे वो सब वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। और वो खुद दो दो बीवियों का ये चीज प्रमोट कर रहे हैं, दो बीवियां रखो, एक घर के बाहर बेचारी को स्ट्रगल कर रही है, दूसरी घर के अंदर है। वो किस बात पे थप्पड़ मारा इतना कि आपकी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं? अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो उस चीज के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। मारना क्या है मुंह पे आके? बंदा सॉरी बोल रहा है, माफी मांग रहा है, कह रहा है कि मेरा वो इंटेंशन नहीं है, तो आप आके इतना क्या थप्पड़ ही जड़ दिया? आई हैव नॉट लाइक इट एट ऑल। तो और दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ बात करना? पहले हम एक एक करके बात करते हैं, विशाल और वो जो अरमान मलिक है जो हुआ है अभी थप्पड़ वाला, विच इज लाइक वायरल एवरीवेयर, एवरीबॉडी इज आस्किंग कि क्या चल रहा है बिग बॉस में, ये क्यों हुआ और ये होना चाहिए था या नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मुंह से बोलना चाहिए था, हाथ मैं होती तो उल्टा जड़ के देती। तो अकॉर्डिंग टू यू दे हैव टू इविक्ट हिम? या दे शुड थ्रो हिम आउट। ठीक है, तो गाइस ये था सोमी का रिएक्शन इस पे। अब मेरा रिएक्शन ये सुनना, क्योंकि मैं सबसे पहले जजमेंट में नहीं आता हूं, आई वेंट एंड वॉच द होल एपिसोड। एपिसोड के हिसाब से मैंने जो नोटिस किया, जो थप्पड़ पड़ा विशाल को वो 100% सही था। उसकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं 100% थप्पड़ क्या मैं और भी ज्यादा मारता और भी ज्यादा पीटता। अगर बात मेरी फैमिली पे आई, बात मेरी बीवी पे आई, तो क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी, वो लवकेश लव कटारिया करेक्ट, उसको जो लव कटारिया उसको जाके उसने बोला था, जब आई रिमेम्बर वो उसकी बीवी सामने वॉक कर रही थी। अच्छा, तो ही वेंट इन सॉ हर एंड सेड, भाभी आप बहुत खूबसूरत लगती हो। ये बात वहां पे एंड हो जाना चाहिए थी। खूबसूरत लगी, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने थैंक यू बोला, दैट वॉज एन एंड ऑफ इट। उसके बाद उसने क्या किया, वो कहने लगा, एक दो वर्ड ऊपर नीचे होंगे बट मैं कह रहा हूं उसका इंटेंशन क्या था। वो कहने लगा कि मुझे एक बात की बहुत ज्यादा अफसोस है, किसको, लवकेश को, लव कटारिया को, बोलने लगा विशाल कि मुझे अफसोस है। उसके बाद जब वो प्रोवोक करके उसको पूछने लगा कि क्या बात है जो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी लगी है, ही वेंट एंड सेड कान में जो भी उसने वो वर्ड कहा, भाभी हॉट लगी, ये लगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चला भाभी अच्छी लगती है। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही लगा मुझे कि वो छेड़ रहा है। मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं, बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे लग रहा था कि वो जानबूझ के उसको छेड़ा है, जानबूझ के। एंड ऑफ द डे उसकी और उसकी उन दोनों की ऑलरेडी नहीं जम रही थी बिग बॉस के अंदर। छोटे मोटे करके 10 से 12 फाइट्स उन लोगों ने ऑलरेडी कर रखे थे फाइट्स, तो उन लोगों की नहीं बन रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी जाके फैमिली मेंबर को, महिला को, उसकी वाइफ को, उसके हस्बैंड के सामने शो में वो ऑलरेडी है, जाके आप छेड़ो, एविडेंटली बात है। जितना मुझे पता है, मैंने प्रॉपर शो फॉलो नहीं किया है, जितना मैंने देखा क्लिप्स और जितने मैंने न्यूज चैनल्स पे न्यूज देखी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि उसने लव कटारिया जो दूसरा बंदा है उसके कान में बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती है, जाके मुंह पे छेड़ना या कोई स्लैंग बोलना या गंदी लैंग्वेज बोलना या टीजिंग करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी अच्छी लगती है वो तो टॉपिक खत्म हो चुका था ना, कान में जाके क्या बोलने की जरूरत थी उसको? प्रूवन ये दिखा के, उस वर्ड को ये दिखाया गया कि दोबारा बोला मुझे एक बात का रिग्रेट है। ये क्या रिग्रेट है, भाभी अच्छा लगती है तो रिग्रेट किस बात का है तुम्हें? चलो मान भी लिया भाभी अच्छी लगती है ऐसा बोला, उसके इंटेंशन सही नहीं थे भैया। वो जब बात सामने आप कन्फ्रंट कर रहे हो तो वो माफी मांग रहा है, वो सॉरी बोल रहा है, वो कहना चाह रहा है कि उसका मतलब वो नहीं था जो आप सब समझ रहे हो, उसने ये चीज एक्सप्लेन की। उसके बाद थप्पड़ जड़ना इज नॉट अ राइट वे टू यू नो रिएक्ट, व्हाट आई फील। बट
बट आई एम टेलिंग यू उसकी जगह में मैं होता, मैं 100% एक तो नहीं मारता, बहुत बुरी तरीके से मैं उसको पीटता, मैं तो 100% पीटता और बहुत बुरी तरीके से पीटता। शो में मैं रहता, मैं शो में नहीं रहता, वो मुझे आई डोंट केयर एट ऑल। उस सिचुएशन में मैं उसकी बहुत बुरी हालत कर देता। अगर मेरी फैमिली पे, मेरी वाइफ पे कोई बात करेगा या मेरी कोई भी सदस्य पे बात करेगा, मैं बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करूंगा। अगर दोबारा मैं कह रहा हूं, भाभी अच्छी लगी थी, उसने साफ सीधा भाभी के मुंह पे कहा था मुझे आप अच्छी लगती हो, भाभी अच्छी लगती है, एंड दैट वाज एन एंड ऑफ इट। उसको वापस इविडेंटली गंदी नजर से देख के, उसको प्रोवोक करके, टॉपिक को बढ़ा करके दोबारा बोलने की कान में जाके कोई जरूरत नहीं थी। आप एक रियलिटी शो में बैठे हो, 100% वो बात पर निकलेगी बाहर, बिग बॉस के अंदर जो भी करोगे, वरना घुमा फिरा के बिग बॉस ही आपको कन्फेशन रूम के अंदर बिठा के बताएंगे कि ये हुआ था आपकी पीठ पीछे। बात तो कोई छुपेगी नहीं वहां पे, बिकॉज यू आर तो छुपी नहीं सकती, 150 कैमरे से ज्यादा कैमराज होते हैं। और भी ये उसको मैं अभी कोई कंटेस्टेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। टेकिंग टू वाइफ्स एंड गोइंग इनसाइड एंड प्लेइंग अ शो, यू आर प्रमोटिंग सच रॉन्ग थिंग्स इन द सोसाइटी इज 100% रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई सपोर्ट हिम बिकॉज ऑफ टू वाइफ्स और व्हाट एवर हिज पर्सनल लाइफ। तो ये समझ नहीं आता कि बिग बॉस में इस बार, जैसे सच बताऊं, कैसे कैसे कंटेस्टेंट्स आ गए हैं इस बार शो के अंदर। कभी कभी मैं इमेजिन करती हूँ ना कि शो में दोबारा जाओ या शो को देखो या शो में कौन पसंद आएगा। क्या वो वड़ा पाव गर्ल, भूलने की किसी को तमीज है नहीं, एक भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं लगता उस घर में, मुझे ऐसा लगता है, एक दो को छोड़ के। सब ऐसा लगता है कि वेले बैठे थे, आ गए शो के अंदर, दे डोंट नो इवन हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ, और एकदम छपरी गिरी कर रहे हैं शो के अंदर। 100% पूरे वेले लोगों को ही लिया है बिग बॉस ने, वो तो 100% एक बात कह रहा हूँ। कोई भी इंसान को जाके देखो उनकी पर्सनालिटी, अब जाके देखो वड़ा पाव गर्ल 4 महीने पहले फेमस हुई, उसको लेके बिग बॉस के अंदर डाल दिया, और एक जो लड़की है उसका नाम भी मुझे पता नहीं, उसकी लैंग्वेज इतनी वाहियात लैंग्वेज से वो बात करती है, मे बी दैट इज हर स्टाइल, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। प्लस ये बंदा जो 2 बीवियां लेके गया है, इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट, यू कैन नॉट प्रमोट सच थिंग्स इन द सोसाइटी। देखो वो दोनों लड़कियों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज देयर चॉइस, उनसे गलती हुई है, क्या मजबूरी थी, उन्होंने क्यों शादी की, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, आई वॉन्ट टू टॉक, यू आर प्रमोटिंग रॉन्ग थिंग्स इन द सोसाइटी। आप मिलकर रील बनाते हो, हस्बैंड वाइफ को प्रमोट ये दिखाना चाह रहे हो कि आप दोनों शादी करके एक घर के अंदर रह सकते हो, बिल्कुल गलत है, हर एक एंगल से भी आप देखो गलत है। कोई भी लड़का या लड़की उठ के फोर्स करेगी, तुम भी देखो, वो भी तुम भी करो वैसा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम भी 2 को शादी करके रखो घर के अंदर एक साथ, तुम भी रहो मेरे साथ, तो दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग, आई हेट दिस पार्ट। उसके अलावा एक तो ढंग का बोलने वाला, वो क्या है, किसके मैनेजर को लेके रखे हुए शो के अंदर, मतलब अब मैनेजर्स को भी देखेंगे हम लव कटारिया। हाँ एक्चुअली, और वो भी चलो ठीक है, ढंग का इंसान हो तो देखे भी ना, बोलने की तमीज ना, प्रेजेंटेबल ना, गेम अच्छा खेल रहे हैं, अब शो के अंदर आके बैठ गए, आई डोंट नो हाउ, इट्स रियली वेरी रॉन्ग थिंग। तो मुझे वो पार्ट छोड़ के अगर इस मुद्दे की पार्ट करें कि स्लैब जड़ना सही था या विशाल को गलत था, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, बिकॉज वी वेर नॉट ऑन द सेम पेज, अभी भी हम सेम पेज में नहीं है, बट इट्स ओके, शी हैज हर इंडिविजुअल ओपिनियन बिकॉज शी इज डन शो, बिग बॉस किया है सोमी ने, और मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है बिकॉज मैं अलग नजराने से उसको देख रहा हूं। 100% मैं उसकी जगह होता तो और बुरा पीटता, बिकॉज उसने भाभी वर्ड यूज करके भी उसको छेड़ा, उसकी नजर, उसकी उसका इंटेंशन 100% गलत था। आप जाके वापस उस क्लिप्स को उठा के देखना जैसे मैं बात कर रहा हूं, अब जाके आप देखना, आपको मेरी बात करने के बाद आप देखना, आपको पता चलेगा, और आप कमेंट भी करके इसके बाद बताना कि उसके इंटेंशन 100% गलत थे। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज एक बार देखना, इंटेंशन की बात नहीं करूंगी, मारना गलत था, पर हाँ अगर उस जगह आप होते तो मारते कि उसको, उसकी हालत ही बुरी कर देते, इतना मुझे आपके गुस्से पे पूरा यकीन है, जब आपको गुस्सा आता है गलत चीजों पे, मुझे तो गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया, और रही बात मेरी वाइफ पे, गलत रही, कोई गलत बात है स्पेशली फैमिली पे, तो और वाइफ पे, खुद के वाइफ पे, अगर आपका हस्बैंड शो में है और उसके सामने उसकी पीठ पीछे आप उसकी बीवी को छेड़ रहे हो, तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा। बट ओवरऑल और कंटेस्टेंट्स के बारे में बोलूं, आई डोंट लाइक एनी बडी इन द हाउस, सब अच्छे लोग रह सकते थे, और भी बेटर कास्टिंग हो सकती थी बिग बॉस की। आई एम ऑन द सेम पेज विद यू, तो सी ऑल गाइस। वन थिंग बेब, ऐसा लगता है कि हाँ शो देख के ऐसा लगता है अच्छा उस जगह नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एक भी ढंग का इंसान नहीं है, 100%।
तो थोड़े से ढंग के लोग आए, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बने शो, ताकि अच्छी रीजंस के वजह से शो और प्रमोट हो। 100%